हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रिपल टू जीरो हिंदी उर्दू पे। और आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ जेमिनी जोडियक साइंस की मई 2020 में जेमिनी जो साइंस वाले हैं जोडियक साइंस वाले उनकी रीडिंग मैं करने वाली हूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं टैरो रीडिंग करती हूं और मैं टैरो रीडर हूं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं या आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो अगर आपको ये जानना है कि आपका सन मून राइजिंग या मैं कौन सी एस्ट्रोलॉजी फॉलो करती हूं तो मैं आपको बता दूं मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, मैं टैरो रीडिंग करती हूं। मैं जोडियक साइंस के लिहाज से रीडिंग करती हूं। तो अगर आपका सन मून राइजिंग आपका कोई भी प्लैनेट जेमिनी में है और ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है, आप देखते हैं और आपकी एनर्जी के साथ रेजोनेट करती है, तो ये आपके लिए है, ठीक है, आपकी सिचुएशन के साथ है। क्योंकि टैरोट आपको सिर्फ एनर्जी के बारे में बताता है, आपकी करंट सिचुएशन के बारे में बताता है और आपको पॉसिबल फ्यूचर प्रेडिक्ट करके बताता है। लेकिन ये फ्यूचर सब उसी वक्त पॉसिबल होता है या आपकी लाइफ में उसी वक्त ये चीज़ आपके लिए जो है वो ट्रू होती है जब आप एक्शन लेते हैं या आप जिसके साथ डील कर रहे होते हैं रिलेशनशिप में या किसी के साथ भी पार्टनरशिप में, बिजनेस में, लव में, कैरियर में, तो आपका डेफिनेटली अगले इंसान की तरफ से भी वैसा रिएक्शन मिलना चाहिए जिसके साथ भी आप डील कर रहे होते हैं, चाहे वो आपका लवर है और चाहे वो आपका पार्टनर है रिलेशनशिप में या बिजनेस में। तो दोनों तरफ से जब एफर्ट होती है तब जाके रिलेशनशिप का जो है वो रिज़ल्ट सेम होता है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसा होता नहीं है, हमें जो आप बताती हैं वो ट्रू नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप शायद एक्शन नहीं ले रहे या शायद आप जिसके साथ डील कर रहे हैं वो इंसान एक्शन नहीं ले रहा। तो ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता कि बगैर एक्शन के जो है वो रिज़ल्ट आपको मिल जाए, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ट्रू होता है, उनके पार्टनर आ जाते हैं, एक्शन लेते हैं और आप खुद एक्शन ले लेते हैं किसी चीज़ के लिए। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं लाइफ में। तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली किसी एस्ट्रोलॉजी के चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ टैरो रीडिंग करती हूँ जोडियक साइंस की, जोडियक साइंस के लिहाज से मैं चलती हूँ। अगर आपको अपना सन मून राइजिंग या कोई भी प्लैनेट चेक करना है तो आप उसके लिहाज से अपनी रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं मई 2020 में जेमिनी के जो लोग हैं उनकी लाइफ में क्या चेंज आने वाला है, आपकी ओवरऑल लाइफ में, लव में, कैरियर में, हेल्थ में आपको क्या चेंज मिलने वाला है इस मंथ, क्या गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर क्रॉस वाचर हैं, आप अगर जेमिनी के साथ डील कर रहे हैं तो ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। तो आपकी खुद की एनर्जी आ गई यहाँ पे लवर्स जेमिनी, तो आप हो सकते हैं किसी और जेमिनी से भी डील कर रहे हो सकता है आप अर्थ साइन के साथ डील कर रहे हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा भी हो सकता है, एक्वेरियस भी हो सकता है और हमारे पास एरीज है, स्कॉर्पियो है, उनके साथ भी आप हो सकता है डील कर रहे हो। रिलेशनशिप्स की मैं बात कर रही हूँ, टॉरस भी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। तो बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है एट ऑफ पेंटिकल्स। जहाँ तक मुझे लगता है आपकी लाइफ में एस ऑफ पेंटिकल्स से एट ऑफ पेंटिकल्स की सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ। तो हो सकता है आपकी लाइफ में आपको एक नया मौका मिले, नई जॉब स्टार्ट करने का, न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में स्टार्ट हो सकती हैं, आपकी लाइफ में कोई नया मौका आ सकता है या आपका कोई माइंड चेंज हो सकता है किसी नई चीज़ को क्रिएट करने के लिए। ये आइडिया भी होता है जो आप खुद लाइफ में कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो बहुत सारे लोग हो सकता है आप किसी नए बिजनेस में या नई जॉब में इन्वेस्ट करना चाहते हो या आपका कोई नया लाइफ स्टाइल स्टार्ट होगा या आप कोई नई एक्टिविटी में जो है वो स्टार्ट करोगे, ये भी हो सकता है। आप हो सकता है जिस इंसान के साथ डील कर रहे हो वो आपका कोवर्कर है, आप उसके साथ वर्क करते हो, स्टडी करते हो, ये भी हो सकता है पॉसिबल। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ये इंसान आपके साथ अब डेफिनेटली डेट करना चाहता है क्योंकि हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स है और एट ऑफ पेंटिकल्स मतलब इक्वल गिव एंड टेक। तो ये इंसान आपको एक ऑफर करना चाहता है और आपके साथ डेट करना चाहता है इक्वली, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल है। कुछ लोगों के लिए ये नया लाइफ लव भी हो सकता है क्योंकि हमारे पास है एस। एस का मतलब होता है नई बिगनिंग, आपके लिए एक नया स्टार्ट, एक नया मौका, एक नया इंसान, एक नई उम्मीद, ठीक है, एक नया दिन आपकी लाइफ में। तो हो सकता है बहुत सारे लोग विद द डेथ कार्ड का मतलब स्कॉर्पियो, हो सकता है आप अपनी लाइफ में कोई चीज़ चेंज कर रहे हो इस वक्त, ठीक है। हो सकता है नया लाइफ पार्टनर आप चूज़ करें या नए लव का आपको इंतज़ार हो, ठीक है, न्यू लव आप चाहते हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं अपनी लाइफ में, एक नया स्टार्ट चाहते हैं। हो सकता है डेथ का मतलब आपका रिसेंटली किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है या आपने सेपरेशन किया है किसी के साथ या हो गया है, ठीक है। या कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप टोटली अपने लाइफ को चेंज करने वाले हो अपने नए वर्क के साथ, नए बिजनेस के साथ, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है, जैसे मैंने कहा द फूल, द डेथ, डेफिनेटली बहुत सारे लोग इस वक्त, आप अगर आपका किसी के साथ रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है या सेपरेशन हुआ है तो आप अपने एक स्पिरिचुअल जर्नी पे हो और आप एक लाइफ में न्यू बिगनिंग चाहते हो, नया स्टार्ट चाहते हो, आप लाइफ में बिल्कुल आगे मूव ऑन कर रहे हो, पास्ट को बिल्कुल हमेशा के लिए भूल चुके हो या भूलना चाहते हो, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के लिए आपके लिए ये डिसीजन अभी लेना है आपने कि आप एक दो चीज़ों में अटके हुए हो, आपको समझ नहीं आ रही कि पास्ट में रहो या आपको न्यू लाइफ चाहिए। ये दोनों कार्ड ही आपको बता रहे हैं कि ये कितना डार्क है और ये कितना येलो है। तो आप कुछ लोगों को आपको इस मंथ में ये डिसीजन लेना है कि आपने पास्ट में स्टक रहना है या आपने लाइफ में मूव ऑन करना है, ठीक है।
ये भी हो सकता है डिसीजन टाइम भी। फिर हमारे पास है लवर्स जेमिनी एनर्जी, तो बहुत सारे लोगों को मैंने जैसे कहा कि आपको ये जो पार्टनर है आपके साथ द हेरोफेंट का ये मतलब होता है आपको कमिटमेंट देना चाहता है, ये लवर आपका कमिटमेंट देना चाहता है, या हो सकता है आपको प्रपोज कर दे, या हो सकता है आपसे शादी करना चाहे, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स का भी यही मतलब है। और अगर आपका कोई लवर नहीं है और आप सिंगल हैं तो हो सकता है आपकी लाइफ में कोई प्रपोजल आए, एस ऑफ पेंटिकल्स और हेरोफेंट ये शादी के कार्ड हैं, तो प्रपोजल आ सकता है आपकी लाइफ में, या किसी की लाइफ में दो प्रपोजल भी हो सकते हैं और आपको चूज़ करना पड़े किसी एक को शादी के लिए, ठीक है, ये भी चीज़ मुझे नज़र आ रही है। फिर हमारे पास है द एम्प्रेस, तो आपको इस मंथ जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा, आप डेफिनेटली अपने ऊपर कुछ फोकस करोगे, अपने आप को हील करने की कोशिश करोगे, आप हो सकता है अपनी हेल्थ पे फोकस करो, हो सकता है आप अपनी ब्यूटी पे फोकस करो, बहुत सारे लोग हो सकता है अगर आप लॉकडाउन से बाहर निकले तो आप हो सकता है फ़न एंड एडवेंचर्स के लिए अपनी मदर के साथ या अपनी फैमिली के साथ कहीं बाहर भी जाओ, ये भी हो सकता है घूमने फिरने के लिए या किसी तरह का इवेंट भी हो सकता है। और अगर आप एक मदर हैं ऑलरेडी, आप शादीशुदा हैं, तो ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ का फोकस इस वक्त अपनी फैमिली पे होगा, आप चाहोगे क्या, आप डेफिनेटली कुछ चीज़ है प्रॉब्लम्स वगैरह जिसको आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे। जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है ये भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए कि आपका ये इंसान हो सकता है जिसके साथ आपका ब्रेकअप हुआ काफ़ी अरसे से, मतलब बहुत अरसा गुजर गया, आप दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की, आपके दरमियान में सेपरेशन हो गई, लवर आपका ये लवर था और आप दोनों के दरमियान में ये हो सकता है आपका सोलमेट हो या आपका सोल कनेक्शन था इस इंसान के साथ। मैं डेफिनेटली मैं जो है वो लेबल नहीं लगाना चाहती ट्विन फ्लेम या सोलमेट, सो आज के बाद मैं डेफिनेटली अपने रीडिंग्स में यही बात करूँगी सोल कनेक्शन। तो आपको जो लगता है आपका सोलमेट है या ट्विन फ्लेम आपको बेहतर पता है, क्योंकि कोई भी आपको नहीं बता सकता कि आपका कनेक्शन किसी के साथ क्या है। हाँ, आपको ये बताया जा सकता है कि आपका सोल कनेक्शन है क्योंकि यहाँ पे एंजल मौजूद है। तो डेफिनेटली आपका अगर सोल कनेक्शन था किसी के साथ पास्ट में और आपका ब्रेकअप हो गया या सेपरेशन हो गई, तो हो सकता है ये इंसान आपकी लाइफ में इस मंथ वापस आए द फूल, मतलब एक नई स्टार्ट को लेके, एक नई बिगनिंग को लेके, और एक हो सकता है एक नया आपसे एक नया मौका मांगे, ठीक है, आपसे कहें कि मुझे एक और चांस दे दो। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप उनके साथ करेंगे या नहीं। हो सकता है डेफिनेटली मुझे जहाँ तक हेरोफेंट और एम्प्रेस का लग रहा है, बहुत सारे लोग हो सकता है आपके आपकी मदर चाहेंगी कि अब आपका रिश्ता हो जाए, या आप चाहते हो कि अब आप रेडी हो रिलेशनशिप के लिए या कमिटमेंट के लिए, ठीक है। मुझे हेल्थ का भी नज़र आ रहा है, बहुत सारे लोगों की हेल्थ काफ़ी अरसे से ख़राब रही है, तो अब आपको इस मंथ से आपको डेफिनेटली आप अपने ऊपर हीलिंग करने की कोशिश करोगे, मेडिटेशन करने की कोशिश करोगे, और आपका फोकस जो होगा वो हेल्थ पे होगा। तो हमारे पास है हनीमून, इन्जॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। सो जहाँ तक हनीमून की बात है, तो हो सकता है ये इंसान आपसे दूर रहता हो कहीं और उनका प्रपोजल आया आपके लिए। बहुत सारे लोग हो सकता है आपका, ज़रूरी नहीं है कि आपका इसी मंथ शादी की बात, हो सकता है सिर्फ प्रपोजल आए शादी की बात चले, तो ये इसका मतलब ये आपकी फ्यूचर की एनर्जी भी हो सकती है जहाँ आप डेफिनेटली हनीमून पे जाओगे और आपका रिलेशनशिप स्टार्ट होगा। और बहुत सारे लोगों को लगेगा आपका ये रोमांटिक लव है, ठीक है, अगर आप ये नया इंसान है जिससे आप बात कर रहे हैं या कोई आपकी लाइफ में आ रहा है नया इंसान या ऑलरेडी एक लवर है, तो उसके लिए आपको बहुत रोमांटिक फीलिंग्स है, हनीमून का मतलब ये भी होता है, ठीक है। हमारे पास है हीलिंग फैमिली इश्यूज़, सो हो सकता है बहुत सारे लोगों की लाइफ में सब फैमिली इश्यूज़ हों, या आपके लवर या आपके रिलेशनशिप में ये जो है ब्लॉकेज होगा फैमिली इश्यूज़ का। हमारे पास है कीप एन ओपन माइंड, सो डेफिनेटली मुझे लगता है आपके जो पार्टनर हैं या आपका जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी डिफरेंट होगा, एज डिफरेंस भी हो सकता है आप दोनों के दरमियान में, ठीक है, या ये भी हो सकता है आप ऑलरेडी एक डिवोर्स वूमेन हैं और ये इंसान जो है वो सिंगल है, इस तरह का भी चक्कर हो सकता है या इस तरह का भी रिलेशनशिप हो सकता है जिसकी वजह से सोसाइटी बात करेगी या लोग कहेंगे नहीं ये ठीक नहीं है, ठीक है। तो आपने ओपन माइंड रखना है, आपने वही चीज़ करनी है जो आपके इंट्यूशन बताएंगे या आपको खुद को रियलाइज़ होगा कि आपके लिए क्या ठीक है, लेकिन फैमिली इशूज़ हो सकते हैं, ठीक है, और बहुत सारे लोग इस वक्त फैमिली इशूज़ में हैं और आपके वो रिज़ोल्व होंगे। हमारे पास है पार्टनरशिप, जैसे मैंने बोला आपको डेफिनेटली पार्टनरशिप मिलने वाली है, हो सकता है किसी को वर्क में पार्टनरशिप मिले, ठीक है, आप किसी के साथ बिजनेस स्टार्ट करो जैसे मैंने पहले कहा, ठीक है, बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है या वर्क पार्टनरशिप भी हो सकती है, किसी तरह का प्रोजेक्ट किसी के साथ भी हो सकता है आप स्टार्ट करो इस मंथ में, ठीक है। और जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है पार्टनरशिप आपकी होगी रिलेशनशिप में या लव में, ऑब्वियसली आपको पार्टनरशिप मिलने वाली है जिसका आपको इंतज़ार था। अगर आप सिंगल हैं तो आप नहीं रहेंगे, या आप चाहते हैं कि अब आप रेडी हैं और आप डेफिनेटली अपनी फैमिली वालों को ये को बताएंगे कि अब आप रेडी हैं रिलेशनशिप के लिए, तो मेरे लिए लड़का या लड़की ढूंढो, सो आई एम रेडी फॉर रिलेशनशिप, ऐसा भी हो सकता है, आप इस मंथ अपना माइंड बनाओ। हमारे पास है डिलाइट, तो इसका मतलब है आपको कोई खुश डेफिनेटली गुड न्यूज़ मिलने वाली है, डेफिनेटली गुड न्यूज़, जिस चीज़ का आपको वेट था उसकी आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है।
फिर हमारे पास है रीबर्थ। जैसे मैंने कहा, बहुत सारे लोग इस मंथ जो है, जैसे डेथ कार्ड यहाँ पे बता रहा है, तो आप पास्ट की चीज़ों को छोड़ के, भूल के, ख़त्म करके हमेशा के लिए, ये आपके लिए एक रीबर्थ प्रोसेस है। ठीक है, आप अपनी हीलिंग पे, आप अपने आप को हील करना चाहते हो पास्ट लवर से या पास्ट सेपरेशन से, या हो भी सकता है अगर आप अपने इस तरह के सोल कनेक्शन में किसी के साथ हैं तो आप अपने हीलिंग में लगे हुए हैं और आप अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। आपके लिए ये बहुत ही स्पिरिचुअल जर्नी है और रीबर्थ हो रही है आपके लिए, तो आप बहुत पॉजिटिव होकर डेफिनेटली थिंग्स चेंज होंगी और आप दोनों आप दोनों यूनियन में आओगे। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप काफ़ी पॉजिटिव हो अपने इस लवर को लेके, और आपको होना भी चाहिए अगर आप चाहते हो कि आपकी उनके साथ पार्टनरशिप हो। सो रीबर्थ, आप डेफिनेटली, आपके लिए एक नया चेंज है, नया लाइफ स्टाइल है इस इंसान के साथ, और आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में ये चेंज आए। लेकिन हर किसी की लाइफ एक जैसी नहीं हो सकती, इसलिए मैं हमेशा आपको हर वो चीज़ बताती हूँ जो पॉसिबल है रीडिंग में। ठीक है, कुछ लोग डेफिनेटली सिंगल हैं, कुछ लोग लव को नहीं, रिलेशनशिप को देखना चाहते हैं, कुछ लोग पार्टनरशिप चाहते हैं, कुछ लोग वर्क के लिए देखना चाहते हैं। तो आपका जो भी डेफिनेटली, मैंने बहुत सारे लोगों के लिए आपको हर तरह से बताया कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है आपके लिए। लेकिन अगर आप इस तरह की सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली पॉजिटिव रहना चाहिए। तो आप पॉजिटिव रहेंगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। ओके, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय गाइज़।